नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर गिरीश तातेड़ एज अ कंसल्टिंग होम्योपैथ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिंपरी चिंचवड़ पुणे। यहाँ पे हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने जानकारी ली ऑटिज्म यानी क्या रहता है, उसका कारण क्या होता है और सही में होम्योपैथी यह उपचार पद्धति उसमें लाभदायक है क्या नहीं। उसी वीडियो में हमने एक मरीज का भी पूरा अनुभव देखा, उस मरीज के बेबी को कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा और बेबी अभी कितना स्वस्थ जीवन जी रहा है। लेकिन क्या सिर्फ होम्योपैथी उपचार ही उसके लिए है या इसके लिए और भी कुछ अन्य जानकारी आवश्यक है? तो हाँ, मेरा जवाब हाँ है। उसके लिए हमें एक डाइट प्लान भी इन बेबी को देना पड़ता है और डाइट प्लान के जरिए वो बेबी को क्या खाना देना चाहिए, किस तरीके से खाना देना चाहिए, वो बेबी कैसे अस्वस्थ हो, उसका मस्तिष्क का विकास कैसे हो, उसके मस्तिष्क के लिए कौन सा फूड अच्छा रहेगा और ताकि उसका शारीरिक और मानसिक विकास किस तरीके से अच्छा रहे, इसकी आज हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। अगर यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना। तो अभी हम जानकारी लेंगे ऑटिज्म बेबी और उनका डाइट प्लान, ऑटिज्म और उनका खान पान, ऑटिज्म बेबी के लिए किस तरीके से आहार देना चाहिए, अभी हम उसके पूरी जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले यह जो ऑटिज्म बेबी होते हैं, कुछ बेबी बहुत बेचैन रहते हैं, उनका मन शांत रहता नहीं है, वो एक जगह पे बैठते नहीं है या उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही पुअर रहता है, उनके लिए किस तरीके से फूड चाहिए। सबसे पहले ग्लूटेन फ्री डाइट। ग्लूटेन यह जो एक प्रोटीन है जो हमें गेहूं में ज़्यादा करके मिलता है, जब यह प्रोटीन अपने पेट के अंदर जाता है तो वह पेट की हथेलियों में एक दाह तैयार करता है, एक सूजन तैयार करता है, जिस वजह से यह बेबी बहुत चिड़चिड़ेपन होता है या बहुत गुस्सेले होते हैं। इसलिए हमें उनको ग्लूटेन फ्री डाइट सबसे पहले देना चाहिए। गेहूं है, गेहूं से बने हुए सभी चीज़ें, ब्रेड है, बिस्किट है या बिस्किट जो शुगर से जो बहुत स्वीट है, ऐसे पूरे आइटम्स हमें पूरे बंद करने चाहिए। दूसरे जो है केजिन। केजिन यह भी प्रोटीन है जो हथेलियों में सूजन तैयार करता है, इससे बेबी बहुत चिड़चिड़े होते हैं। तो केजिन यह जो प्रोटीन है यह दूध में पाया जाता है। दूध और दूध से बने जो पदार्थ है उन्हें भी हमें बंद करना चाहिए। इन शॉर्ट जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है या जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स है हमें उनको बहुत कम मात्रा में देने चाहिए या हो सके तो बंद भी करने चाहिए। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, इन बेबी को हम कभी से बाहर जाते हैं हम चॉकलेट देते हैं, उनको मीठा बिस्किट देते हैं, क्रीम बिस्किट देते हैं, यह भी पूरी तरह से उनको बंद कर देना चाहिए। और चौथी बात, जो प्रोसेस मीट होता है, जो मीट कई दिनों से फ्रिज में रखा हुआ आता है, यह पूर्णतः बंद करना चाहिए। तो ये चारों बातों का डाइट अगर हम करते हैं, अगर उन्हें देना बंद करते हैं तो बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। तो उन्हें हम फिर हम क्या दें? उनको हम जो भी वेजिटेबल्स है वो मैक्सिमम मात्रा में दें, जो भी सब्जियां हैं वो ज़्यादा मात्रा में दें, जो फल है फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल ज़्यादा मात्रा में दें। दूसरी बात, सोयाबीन और सोयाबीन से जो पदार्थ बनते हैं वो हम उनको ज़्यादा मात्रा में दें। तीसरी बात, शुगर फ्री है, शुगर फ्री जो टैबलेट आते हैं वो भी ना दें, थोड़ा गुड़ उनको डाइट में चल सकता है उन्हें हम दे सकते हैं। और एक बात है, मस्तिष्क के विकास के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड यह बहुत अच्छा रहता है और यह प्रायतः जो हमने ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर दिखाई देता है। हम उनको ड्राई फ्रूट्स एग्जांपल बादाम रात को भिगो के रखें और सुबह उठने के बाद उनको दें तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। इस तरीके से हम उनको सबसे ज़्यादा सोयाबीन और उनके प्रोडक्ट दे सकते हैं, ज़्यादा फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट दे सकते हैं, थोड़ा सा जैगरी उनके फूड में ऐड कर सकते हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स उनको दे सकते हैं। इस सब डाइट के साथ हम उनको जो मरीन प्रोडक्ट्स है एग्जांपल फिश वो भी अच्छी तरह से दे सकते हैं और एग्स यह भी उनके डाइट में हम ऐड कर सकते हैं। इन सभी डाइट का परिणाम ऐसा होता है कि बच्चों का मस्तिष्क का विकास बहुत अच्छा होता है और होम्योपैथी चिकित्सा के साथ उनका शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है। अगर आपको यह जानकारी काफ़ी अच्छी लगी हो तो कृपया आप मेरा वीडियो ज़रूर लाइक करना और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना। इसके आगे जो हमारा टॉपिक है वह है किस तरीके से पेरेंट यानी माता पिता का बिहेवियर उन बच्चों के साथ रहे जिनको ऑटिज़म है और किस तरह से समाज का भी बिहेवियर उन बच्चों के साथ रहे ताकि उन बच्चों का विकास अच्छी तरीके से हो सके, यह हमारा आगे का विषय रहेगा। धन्यवाद।